हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, खटमल से जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर ये एक बार घर में आ जाते हैं तो जगह जगह अपना डेरा बसा लेते हैं, और ये ऐसे छुपे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और ये इतना मतलब इतने अंदर अंदर छुपे हुए होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ छुपे हुए हैं। तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा टोटका शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो है जब मेरे घर में खटमल हो चुके थे तो ये मैंने एक्सपीरियंस जो है खुद जो है फील किया है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी मालूम कर सको कि ये खटमल जो है आपके घर में से कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है हमारी। हमने करना क्या है कि एक प्याला लेना है दोस्तों, और इस प्याले में जो है हमें पानी डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसमें पानी डालना है। और दोस्तों, आप लोग क्या किया करो कि रात को जब लाइट वगैरह बंद कर लेते हो तो उससे पहले जो है घर के चारों कोनों में जो है आपको ऐसे जो है चार प्याले रखने हैं दोस्तों। तो ये जो खटमल छुपे हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप चार कोने में इसको रखोगे इन प्यालों को, तो रात में जो है ये इसके अंदर डिप हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से गिर रहे हैं। और पानी के अंदर जब ये आ जाएंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि खटमल कहाँ मौजूद है। दोस्तों, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी अलमारी में जो है बहुत ज़्यादा खटमल हो चुके थे और मैं जो है रेमेडीज डाल डाल के थक गई थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो जब खटमल जो है मुझे नज़र आता था तो मेरी आदत थी कि मैं फौरन जो है वो खटमल पकड़ के पानी के अंदर डिप कर देती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुके थे और मेरे पास कोई हल नहीं था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसी तरीके से मैंने जो है अलमारी के पास जो है ऐसा ही प्याला रखा था, और जब मैं सुबह उठती थी तो उसमें तीन चार खटमल गिरे हुए होते थे दोस्तों। तो मुझे पता चल गया कि ये इसी अलमारी के अंदर जो है खटमल मौजूद है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जो है इस तरीके से अपने घर में जो है प्याला रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके घर में खटमल कहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि ऐसी वीडियो जो है आप लोगों को मिले। तो दोस्तों, अब इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।